हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सरण कुमार और आप लोग देख रहे हैं इंडियन जुगाड़ टेक। दोस्तों, ये है वन लाइनर टेक न्यूज़, यानी कि आज यार काफ़ी दिनों बाद फिर से मैं आप लोगों के लिए वन लाइनर टेक न्यूज़ लेकर आया हूँ। यानी कि आज पूरे दिन भर की जो टेक न्यूज़ यहाँ पर आई है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। काफ़ी अच्छी न्यूज़ आप लोगों के लिए आ रही है, एयरटेल की तरफ से यहाँ पर जो है, जियो की तरफ से भी आ रही है, साथ में वन प्लस टीवी को लेकर काफ़ी अच्छी न्यूज़ आ रही है और व्हाट्सएप को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट यहाँ पर आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों का जो व्हाट्सएप है दोस्तों वो फिलहाल बंद होने जा रहा है और ये 31 दिसंबर से बंद होने जा रहा है। तो आज के इस वीडियो हम इन सभी न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली जो न्यूज़ आ रही है वो एयरटेल डिजिटल टीवी और डिश टीवी को लेकर आ रही है। बताया जा रहा है कि इनके बीच में जो है काफ़ी टाइम पहले से जो है बात चल रही थी मर्ज को लेकर, यानी कि ये दोनों जो ऑपरेटर्स हैं, जो यहाँ पर डीटीएच ऑपरेटर्स हैं, वो यहाँ पर मर्ज होने का प्लान बना रहे थे। लेकिन अभी तक जो इनकी बातचीत थी दोस्तों वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंची थी। लेकिन फिलहाल बताया जा रहा है कि जो इनका मर्जिंग का प्लान था दोस्तों वो फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका है और जल्दी ही दोनों डीटीएच ऑपरेटर यहां पर मर्ज होने जा रहे हैं, यानी कि एयरटेल डिजिटल टीवी और जो यहां पर डिश टीवी है दोनों यहां पर मर्ज होने जा रहे हैं। वैसे आप लोग बताना कि आप कौन सा डीटीएच ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताना। दोस्तों, आज की जो सेकंड न्यूज़ आती है दोस्तों वो यहां पर रिलायंस जियो की तरफ से आ रही है कि उन्होंने जो जियो फोन के लिए 49 रुपीज़ वाला सबसे सस्ता प्लान था जिसमें आपको 28 डेज की वैलिडिटी मिल जाती थी, अनलिमिटेड जो है कॉल्स मिल जाते थे। अभी तक जो है जब तक आयुषी चार्ज जियो ने लेना स्टार्ट नहीं किया था तो उस समय तक आपको अनलिमिटेड आयुषी कॉल इस प्लान में मिल जाते थे। लेकिन अब जियो फोन के लिए दोस्तों ये प्लान जियो की तरफ से बिल्कुल रिमूव कर दिया गया है। 49 रुपीज़ वाला प्लान जो है जियो फोन यूजर्स के लिए अवेलेबल नहीं होगा, मिनिमम आपको 75 रुपीज़ वाला प्लान जो है यहाँ पर मंथ के हिसाब से लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जो जियो फोन यूजर्स है दोस्तों उनके लिए तो काफ़ी बुरी न्यूज़ ये होने वाली है। दोस्तों, आज की जो थर्ड न्यूज़ आ रही है वो वन प्लस टीवी को लेकर आ रही है। अभी तक जो वन प्लस ने अपना टीवी इंडिया में लॉन्च किया दोस्तों उसमें आपको नेटफ्लिक्स का सपोर्ट नहीं मिलता था, लेकिन फिलहाल जो है वन प्लस टीवी के लिए जो नेटफ्लिक्स का सपोर्ट है दोस्तों वो उपलब्ध करा दिया गया है। साथ में उन्होंने जो रिमोट है दोस्तों वो वन प्लस टीवी के साथ में आपको रिमोट प्रोवाइड किया गया था उसको भी उन्होंने अपग्रेड किया है। तो अब आपको जो है नेटफ्लिक्स के लिए अलग से और यूट्यूब के लिए अलग से यहाँ पर बटन दिया जा रहा है। इसके लिए आपको अपना रिमोट जो है दोस्तों वो अपग्रेड करना होगा, एक्सचेंज करना होगा। इसके लिए आप फ्री में जो है यहाँ पर एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर वन प्लस आपको मौका दे रहा है तो आप जो है अपना रिमोट जो है यहाँ पर बिल्कुल फ्री में एक्सचेंज कर सकते हैं। दोस्तों, जो नेक्स्ट अपडेट आता है वो सैमसंग गैलेक्सी S11 प्लस को लेकर आ रहा है। बताया जा रहा है कि सैमसंग गैलेक्सी S11 प्लस में आपको 108 मेगापिक्सल का जो यहां पर आइसोसेल ब्राइट सेंसर है दोस्तों वो देखने को मिलेगा। तो यहां पर जो है सैमसंग गैलेक्सी S11 प्लस में आपको काफ़ी ज़बरदस्त कैमरा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो अपडेट आ रहा है दोस्तों वो यहां पर शाओमी की तरफ से आ रहा है। मी टीवी जो उनकी सीरीज़ है जो इंडिया में चल रही है उसको लेकर आ रहा है। IDC ने यहां पर एक रिपोर्ट पब्लिश की है Q3 को लेकर और बताया कि इंडिया में जो सबसे ज़्यादा स्मार्ट टीवी सेल हो रहे हैं दोस्तों वो मी टीवी ही सेल हो रहे हैं। और बात करें यहाँ पर मार्केट शेयर की तो फिलहाल जो Q3 था उसमें शाओमी के जो मी टीवी है दोस्तों उनका जो मार्केट शेयर रहा वो करीबन 33% रहा। सैमसंग जो यहाँ पर सेकंड प्लेस पर रहा है उनका जो मार्केट शेयर रहा है दोस्तों वो यहाँ पर 14% रहा है। उसके बाद LG का मार्केट शेयर यहाँ पर रहा है 13% का और फोर्थ पोजिशन में यहाँ पर सोनी आता है 10% मार्केट शेयर के साथ में और 9% मार्केट शेयर के साथ में TCL यहाँ पर जो है फिफ्थ पोजीशन पर आता है। वैसे आप लोग बताना कि आप कौन सा स्मार्ट टीवी यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में आप जो है बता सकते हैं। दोस्तों, अगला जो अपडेट यहाँ पर निकल कर आता है वो व्हाट्सएप को लेकर। तो दोस्तों, फिलहाल लाइट यहाँ पर आ चुकी है, करीबन 1 घंटे से वेट कर रहा था यार। इतने मैंने जो मेरा जो यहाँ पर खाना बनाने वाला काम था वो यहाँ पर कम्प्लीट किया है तो अभी जो है वो भी काम बाकी है तो वीडियो में फिलहाल कम्प्लीट कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट जो अपडेट यहाँ पर निकल कर आता है वो यहाँ पर व्हाट्सएप को लेकर आ रहा है। 31 दिसंबर से व्हाट्सएप यहां पर जो है काफ़ी ज़्यादा स्मार्टफोन पर बंद होने जा रहा है। तो यहां पर जो है व्हाट्सएप के द्वारा ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है कि अगर आपके पास विंडोज़ वाला कोई भी स्मार्टफोन है तो 31 दिसंबर के बाद आप जो है व्हाट्सएप वहां पर नहीं चला पाओगे, बिल्कुल जो है व्हाट्सएप वहां पर जो है बंद कर दिया गया है। साथ में उनके द्वारा बताया गया कि 1 फरवरी 2020 से अगर आपके पास आईफोन है और उस आईफोन पर आपका जो है iOS 8 या उससे नीचे का कोई भी वर्जन है तो वहां पर भी आपका WhatsApp काम नहीं करेगा। साथ में अगर आपके पास Android स्मार्टफोन है जिस पर आपका जो Android वर्जन है वो 2.3.7 है तो इससे नीचे हो या 2.3.7 हो तो इससे नीचे भी आप जो है WhatsApp नहीं चला पाओगे। तो काफ़ी ज़्यादा लोग करीबन यहां पर बताए जा रहे हैं कि करोड़ों से भी ज़्यादा लोग होने वाले हैं जिनके स्मार्टफोन में जो है व्हाट्सएप यहाँ पर जो है 31 दिसंबर के बाद में काम नहीं करेगा और ऐसे ही बहुत ज़्यादा लोग होने वाले हैं जिनका जो है
फरवरी में जो है ये व्हाट्सएप यहाँ पर बंद होने वाला है। वैसे आप लोग बताना कि आप भी कोई ऐसा स्मार्टफोन यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं क्या जो काफ़ी पुराना हो उसमें OS हो, तो व्हाट्सएप को लेकर ये काफ़ी बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। दोस्तों नेक्स्ट जो अपडेट यहाँ पर निकल कर आता है वो भी काफ़ी अच्छा अपडेट है आप लोगों के लिए। अभी तक टिकटॉक जो आप ऐप यूज़ करते थे जहाँ पर आप जो है करीबन एक मिनट तक का जो यहाँ पर वीडियो था वो डालते थे, लेकिन अभी यहाँ पर टिकटॉक आप लोगों के लिए एक अलग से जो है म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप लेकर आ रहा है जिसकी फिलहाल टेस्टिंग चल रही है। जिस तरह से जो जियो म्यूजिक ऐप हुआ, जियो सावन हुआ या और भी बहुत सारे विंक म्यूजिक हुआ, तो इसी तरह का ऐप अब जो है यहाँ पर टिकटॉक आप लोगों के लेकर आ रहा है जो कि बहुत जल्दी यहाँ पर रिलीज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट जो निकल कर आता है दोस्तों वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी अपडेट है क्योंकि SBI के द्वारा यहाँ पर गाइडलाइन जारी की गई है और ये बहुत ही अच्छी गाइडलाइन उनके द्वारा जारी की गई है। उन्होंने कहा है कि अगर पब्लिक बेस पर आपको कोई भी ऐसा जो चार्जिंग पोर्ट दिखाई देता है जिसमें सिर्फ आपको अपनी USB केबल जो है इंसर्ट करनी हो, आपको सिर्फ अपनी केबल इंसर्ट करनी हो, तो वहाँ पर आप अपने स्मार्टफोन को बिल्कुल भी चार्ज ना करें। यानी कि अगर आपके पास चार्जर है, अगर आप जो अडेप्टर है वो इंसर्ट कर रहे हैं साथ में अपनी केबल भी यूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए वो अच्छा रहेगा, लेकिन वहाँ पर चार्जिंग के लिए अगर आपको USB पोर्ट प्रोवाइड किया गया है तो वो आप बिल्कुल भी यूज़ ना करें। क्योंकि बताया गया है कि जो ऐसे पब्लिक प्लेस होते हैं जैसे रेलवे स्टेशन हुआ, एयरपोर्ट हुआ, या जो ट्रेन के अंदर आपको USB पोर्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, या बहुत सारे ऐसे पब्लिक प्लेस हुए जहाँ पर आपको USB पोर्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उनका यूज़ आप बिल्कुल भी ना करें क्योंकि वहाँ पर आपका जो डेटा है दोस्तों आपके स्मार्टफोन से चोरी हो सकता है। साथ में आपकी जो बैंक डिटेल है आपके स्मार्टफोन पर, जो भी आपका अकाउंट वगैरह, जो भी ऐप आपने डाउनलोड की हुई है बैंक वाली, वो सारा डेटा आपका चोरी हो सकता है और आपका बैंक अकाउंट वहाँ पर खाली हो सकता है। तो ये आप लोग जरूर से याद रखना कि कहीं भी आपको USB पोर्ट दिखाई देता है चार्जिंग के लिए तो बिल्कुल भी वहाँ पर आप अपना स्मार्टफोन चार्ज ना करें क्योंकि वहाँ पर आपका डेटा जो है चोरी हो सकता है और आपका बैंक अकाउंट वहाँ पर बिल्कुल खाली हो सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ एक वन लाइनर शॉर्ट टेक न्यूज़। आज की जो वन लाइन शॉर्ट टेक न्यूज़ थी दोस्तों, आपको सबसे जो बेस्ट टेक न्यूज़ लगी वो कौन सी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताना।